तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर स्पेस है तो हम लोग एक मैप डिफाइन करते हैं जिसको बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब यहाँ की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्म सॉरी ये मैप अगर अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है तो हम लोग बोलते हैं कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ कि जैसे यू एंड वी, अगर वी को बिलोंग कर रहा है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा टाइम्स यू प्लस बीटा टाइम्स वी, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। तो ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा टाइम्स टी ऑफ वी प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी। मतलब अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन का इमेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर का इमेज निकाल के फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे और वो भी सेम अल्फा बीटा को। तो ये होता है अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कुछ बेसिस वेक्टर पे, मान लो अगर ये एक वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है, तो अगर वी और डब्ल्यू अगर वेक्टर स्पेस है तो इसके पास का डायमेंशन होगा। तो अगर वी एक फाइनाइट डायमेंशन है एन, ऐसे डब्ल्यू भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन एम है, तो इसके पास एक बेसिस होगा जिसके पास कितने एलिमेंट होंगे एन, तो उसको नाम देता हूँ वी वन से लेके वी एन तक। ऐसे ही बी डैश, इसके पास भी एक बेसिस होगा जिसके वेक्टर डब्ल्यू वन से लेके डब्ल्यू एन तक होंगे। अब अगर इस बेसिस वेक्टर पे अपने पास इमेज गिवन है टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, ऑल अप टू टी ऑफ वी एन, तो इन जनरल हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिर्फ बेसिस पे गिवन है तो उसका मतलब बेसिस पे अगर अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज गिवन है तो पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का कोई भी अगर मैं वेक्टर ले रहा हूँ तो अगर इसका बेसिस पी है तो उनके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, मतलब अल्फा आई इंटू वी आई के फॉर्म में। और फिर जब इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन से वो अंदर चले जाएगा और ये अपने पास बेसिस पे इसका इमेज गिवन है और ये अल्फा आई अपने को कैलकुलेट करना रहेगा, तो पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम। तो अब अपने को क्या करना है कि अगर अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाने आ गया तो उसके बाद मैट्रिक्स को अलग से डिस्कस करते हैं और फिर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अगर मैट्रिक्स गिवन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है कि अगर मैट्रिक्स है और एक उसके रिस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के टर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट मैट्राइसेस मिलेंगे, ठीक है। अगर एक ही बेसिस मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस है तो जो मैट्रिक्स मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो अपना मैट्रिक्स भी चेंज होगा। तो अब अपने को क्या करना है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कोई एक बेसिस गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं बेसिस चेंज कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। अब बेसिस जो हम लोग इसके पहले ले रहे थे ना वो इन जनरल बेसिस था, लेकिन अब जो आगे डिस्कस करेंगे वो ऑर्डर्ड बेसिस होंगे। अब ऑर्डर्ड बेसिस क्या है कि मतलब इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मान लो मैंने एक बेसिस ले लिया ई वन ई टू ई थ्री, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा बेसिस ले लिया ये बी वन बी टू जिसमें ई टू ई वन ई थ्री, तो अगर ये ऑर्डर्ड बेसिस ले रहा हूँ ना तो ये दोनों बेसिस डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा ना वो अलग आएगा। अगर मैं ये बेसिस ले रहा हूँ और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स बनाऊंगा ना तो वो अलग आएगा, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स अलग आएंगे। इसीलिए जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड बेसिस, मतलब इन तीन वेक्टर का यूज करके मैं कितने डिफरेंट बेसिस बना सकता हूँ, टोटल सिक्स बेसिस बना सकता हूँ, ई वन ई टू ई थ्री, फिर ई टू को यहाँ पे रख सकता हूँ, इसके मतलब इसके प्लेस को चेंज करके ऐसे टोटल सिक्स बेसिस बना सकते हैं। वो कैसे होंगे, ऑर्डर्ड बेसिस। अब ऑर्डर्ड बेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिस चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट अपना मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एक मैट्रिक्स बनाना है और बेसिस का यूज करके।
वी और डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है, वी का डायमेंशन सम फाइनाइट नंबर एम, ऐसे ही डब्ल्यू का डायमेंशन मान लेते हैं एम होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ वी से लेके डब्ल्यू तक, ये मान लेते हैं एक एल टी है। अब मुझे क्या करना है, अगर ये एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ये एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर है, तो इसके बेसिस में वी वन से लेके वी एन तक एलिमेंट होंगे, और ये बी डैश आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू वन से लेके डब्ल्यू एम तक। अब मैं एक वेक्टर उठाऊंगा इसका टी ऑफ वी वन, अब ये इमेज कहाँ चले जाएगा इसका, जब मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूं तो इसका इमेज डब्ल्यू में आएगा। अब डब्ल्यू के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू के किसी भी मेंबर को मैं इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अल्फा वन, अब ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू जे, जे इज गोइंग फ्रॉम वन टू एन। तो अगर मैं यहां पे कोई भी आईथ वेक्टर लूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूं वेयर, ये अल्फा को यहां पे बीटा ले लेते हैं, वेयर बीटा आई जे बिलोंग्स टू फील्ड और डब्ल्यू जे बिलोंग्स टू बी। क्लियर है सबको ये, मैंने यहां से एक बेसिस वेक्टर उठाया वी वन और इसकी इमेज डब्ल्यू में चली गई। अब W भी एक वेक्टर स्पेस है तो इसके पास का डायमेंशन होगा और ये उसका बेसिस हो गया। अब अगर ये बेसिस है तो W के हर एक एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और J मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा वन से लेके एम तक, और ये I मैंने किसके लिए ले दिया कि यहाँ पे जो वेक्टर से बी वन लूंगा तो यहाँ पे बी वन आ जाएगा, बी टू लूंगा तो यहाँ पे बी टू आ जाएगा, ऐसे एन बी एन लूंगा तो यहाँ पे बी एन, और वी आई के लिए बी आई आ जाएगा, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी होगी वन से लेके एन तक। क्लियर है सबको ये, अब इसका यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। अब जैसे मैं अगर टी वी वन ले रहा हूं तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा ये बी वन जे डब्ल्यू जे, जे इज वेरी फ्रॉम वन टू एन। अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, पहले ये बी वन वन, ऐसे बी वन टू, बी वन थ्री, मतलब वन मेरा फिक्स होगा क्योंकि यहाँ पे आई फिक्स हो गया, तो ये मेरा वन वन फिक्स रहेगा, बाकी जे वेरी होगा कहां तक वन से लेके एम तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी वन वन डब्ल्यू वन, बी वन टू डब्ल्यू टू, ऐसे लास्ट में बी वन एम डब्ल्यू एम। अब ये जो कोएफिशिएंट है ना इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, बी वन वन या तो इसको ऐसे ही लिख दो या फिर इस तरीके से लिख के बाद में इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, दोनों चलते हैं। तो बी वन टू ऐसे लास्ट में कहां तक जाएगा ये बी वन एम, ऐसे सेकेंड वेक्टर के लिए निकालूंगा, थर्ड वेक्टर के लिए निकालूंगा, और जो भी मैट्रिक्स आएगी बाद में उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर ये इसको ये साइड ले लेंगे तो डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर है सबको ये, तो मतलब क्या करना है यहां से एक बेसिस वेक्टर उठाओ, उसका इमेज लो और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके वेक्टर के साथ लिख लो, और जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो कोएफिशिएंट को क्या करना है अपने को, अगर ये इस तरीके से वैसे वो कॉलम में ही लिखते हैं, यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पे बी वन ले रहा हूँ अगर इसको ये साइड ले लूंगा तो वो ऑटोमेटिक कॉलम में आ जाता है। क्लियर है सबको ये, तो जो मैट्रिक्स बनता है उसको लिखने का तरीका ये कि मैं पहले टी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, डोमेन का बेसिस बी है और को डोमेन का बेसिस बी है, इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स आ रहा है। अब ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी होगा, तो अगर मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूं वी जिसका डायमेंशन है एम और डब्ल्यू जिसका डायमेंशन है एम, तो ये इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालने के लिए एम बाय एन लेना है, क्योंकि जो हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ना पहले टी ऑफ वी वन के लिए लेंगे, ऐसे टी ऑफ वी टू के लिए, ऐसे लास्ट में टी ऑफ वी एन के लिए,
तो वी वन में कितने वेक्टर होंगे, टोटल एम वेक्टर, ऐसे यहाँ पे भी एम वेक्टर होंगे, यहाँ पे भी एम वन, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ना, तो सारे कोएफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे, ऐसे सेकंड वाले के सारे कोएफिशिएंट को यहाँ पे, तो कितने बेसिस वेक्टर है टोटल एन, तो इतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने कॉलम्स बनेंगे, और जितने यहाँ पे कोड मेन में रहेंगे उतने अपने पास इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन या रो, क्लियर है सबको? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा एम बाय एन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एन से एम जा रहा है तो मैट्रिक्स का डायमेंशन एम बाय एन होगा, इसका रिवर्स हो जाता है, क्लियर है सबको ये? अब यहां से ये पता चल गया कि जो v का डायमेंशन है उतने नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स होते हैं, और जितने यहाँ पे m है उतने नंबर ऑफ रो होते हैं, और इसको हम लोग अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो m क्या होता है, m नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं, और ये जो n बताता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स यूज होते हैं, और जब यहाँ पे आता है ना तो उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनते हैं। अब सबसे इसमें इजी क्या रहता है कि जितने इक्वेशन एम एस सेट में आते हैं ना वो सारे आते हैं स्टैंडर्ड बेसिस से। अब स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, ई आई मतलब जिसमें बाकी हर एक पोजीशन पे जीरो रहेगा, सिर्फ आईथ पोजीशन पे वन होता है और बाकी हर एक पोजीशन पे जीरो रहेगा, मतलब अगर ई टू निकालना है तो जीरो वन, ये इसमें डिपेंड करता है कि कहां से आर एस टू एन से ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसे ई थ्री लेंगे तो थर्ड पोजीशन पे वन, बाकी सब जीरो आ जाएगा। अब अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर एस टू एन से लेके आर एस टू एम तक जा रहा है तो इसके मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम बाय एन, और अपने को दिया है स्टैंडर्ड बेसिस, तो इसका मैट्रिक्स डायरेक्ट निकलता है। अब इसमें क्या करना है, ये तो अपने पास वेरिएबल होंगे ना एक्स वन से लेके एक्स एन तक, और ये अपने पास इक्वेशन होंगे, तो इसको मैं ई वन से लेके ई एन तक इक्वेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसको ये लिख लो x1, x2, सॉल्व अप टू xn, और यहाँ पे क्या करना है जितने भी इक्वेशन यूज हो रहे हैं ना हर एक इक्वेशन में x1 के कोएफिशिएंट जो रहेंगे वो लिख लो, उनका कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब x1 के कोएफिशिएंट, सेकंड वाले में x2 का कोएफिशिएंट, ऐसे लास्ट में xn का कोएफिशिएंट, मतलब पहले इक्वेशन में xn x1 का कोएफिशिएंट कितने हैं, ऐसे इक्वेशन 2 में x2 का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वेशन थ्री में एक्स एन का कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स दे दिया है आर क्यूब से लेके आर टू का, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मान लो एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस जेड दे दिए, अब इसका मैट्रिक्स निकालना, सबसे पहले क्या होगा इसका ऑर्डर कितना होगा, ये थ्री से टू जा रहा है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखने, तो इक्वेशन कितने अपने पास, ये e1, e2, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, यहाँ पे क्या कर रहा है जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इक्वेशन के इक्वेशन वन के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, वन, इक्वेशन टू के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, टू, अब इक्वेशन वन के अंदर y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन, इक्वेशन टू के अंदर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो जीरो, इक्वेशन वन के अंदर z का कोएफिशिएंट नहीं है और E2 के अंदर जेड का कोएफिशिएंट है, तो ये मैट्रिक्स आ जाए, तो स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को रखो, यहाँ पे इक्वेशन को रखो, और जो x का कोएफिशिएंट आएगा इक्वेशन वन के अंदर वो लिखो, इक्वेशन टू के अंदर जो कोएफिशिएंट है वो, ऐसे जितने वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को जो इक्वेशन में उनकी उसको लिखना है, क्लियर है सबको ये? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिस से ही आता है, सेट की बात कर रहा हूँ, बाकी इस एग्जाम में तो ये सब नहीं पूछते, लेकिन सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिस पे ही आएंगे। तो 2020 में पहला ही क्वेश्चन आ गया था कि आर एस टू एन से लेके आर एस टू एम तक अगर एक लीनियर मैप है तो उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एन से एम जा रहा है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाय एन। क्वेश्चन नंबर थ्री तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि टी वन टी टी लीनियर चेक करना है, तो टी थ्री लीनियर का। अब इसमें देखो टी एक लीनियर ऑपरेटर दिया है आर क्यूब के अंदर बाय, तो वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, थ्री,
इक्वेशन भी कितने हैं, थ्री। तो पहले क्या करना है, इसमें पहला जो कॉलम होगा उसमें एक्स का कोएफिशिएंट देखना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, टू, सेकंड में जीरो, थर्ड में टू। तो टू जीरो टू पहला कॉलम होगा, तो टू जीरो टू किस में आ रहा है, ए और बी में आ रहा है। ऐसे सेकेंड वेरिएबल के लिए पहले इक्वेशन में टू, सेकेंड में टू, थर्ड में थ्री, तो टू टू थ्री, तो टू टू थ्री यहाँ पे, यहाँ पे थ्री टू टू, तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्लियर है सबको? फर्स्ट कॉलम में एक्स का कोएफिशिएंट, सेकेंड में वाई का कोएफिशिएंट, थर्ड में जेड का कोएफिशिएंट। जितने इक्वेशन रहेंगे हर एक में देखना। इसमें देखो आर थ्री से लेकर आर टू जा रहा है, तो कितने वेरिएबल है, थ्री, तो कॉलम्स कितने हो जाएंगे, थ्री। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में वन, सेकेंड इक्वेशन में टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो वन जीरो, तो वन जीरो किसमें आ रहा है। देखो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, टू बाय थ्री, तो या तो ये होगा या तो ये। अब देखो पहले में वन, सेकेंड में जीरो, तो सिर्फ बी ऑप्शन है, बाकी चेक ही नहीं करना है। क्लियर है सबको ये? तो स्टैंडर्ड बेसिस के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते, तो इसका वन और जीरो आ जाएगा। इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स वन, देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इन द ऑर्डर बेसिस। अब इसमें देखो इसमें अपने क्या करना, ऑर्डर बेसिस का यूज करके निकालना। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस होता ना तब तो डायरेक्ट निकाल लेते हम लोग, बट ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, तो ये बेसिस का यूज करके अपने को मैट्रिक्स निकालना है। तो कैलकुलेट करो। अच्छा ये बताया नहीं ना मैंने, ठीक है चलो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं, आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक ले रहा हूं। तो सबसे क्या करेंगे, एक वेक्टर हम लोग यहां से ले लेंगे, तो इसका बेसिस क्या दिया है, वन वन और वन माइनस वन, तो ये इसको वी वन दे देंगे, इसको वी टू दे देंगे। तो टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी वन क्या होगा, टी ऑफ वन वन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया है, एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स टू एक्स वन, मतलब ये जो वन है एक्स टू को पहले यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, और सेकेंड वाला सिर्फ एक्स वन आएगा। क्लियर है सबको ये? ये मेरे पास एक्स वन था, ये एक्स टू था, तो एक्स टू का साइन चेंज करना है और एक्स वन को एज इट इज लिखना है। अब ये इमेज आर इज क्या हुआ, वन नहीं, वो से फर, वो से फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद में चेंज होता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस वन और ये वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये आर स्क्वायर में चलेगा, तो अपने को इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सामने भी वही बेसिस, दोनों में वही है ना, तो इसको क्या करना है, अपने को अल्फा वन वन प्लस बीटा वन माइनस वन ये निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जीरो। जब अल्फा जीरो आ जाएगा तो बीटा कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो अल्फा जीरो आ गया, बीटा माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? तो चेक कर लो किसमें जीरो माइनस वन है, एक की एक कॉलम में मिल गया ना, अगर सब में डिफरेंट है तो ठीक है, अगर किसी में मैच करेगा तो फिर सेकेंड निकालना, अदरवाइज एक से ही काम चल जाता है। तो जिसमें कॉलम में फर्स्ट कॉलम में जीरो माइनस वन होगा वही अपना आंसर करेक्ट होगा, तो सिर्फ एक ही में आ रहा है। अगर मान लो ये किसी और ऑप्शन में भी जीरो माइनस वन होता ना, उस केस में सेकेंड में निकालते, तो सेकेंड के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी ऑफ वन माइनस वन लेते, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता, वन और वन हो जाता, फिर वन वन के लिए निकालेंगे तो वन जीरो आएगा। अच्छा ये कैसा मैट्रिक्स है, बेसिस छोड़ दो, ये मैट्रिक्स कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम है इसको, नहीं नहीं मैट्रिक्स नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रही है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन है। अबाउट हम्म,
रिफ्लेक्शन है, बट कैसा? वाई एक्सिस में तो ये नहीं चेंज होता ना, एक्स वन एक्स ही रहता है। वाई इज इक्वल टू नहीं, जेड कहाँ है, जेड कहाँ है यूज़ हो रहा है इसमें। एक्स टू को हम लोग ये साइड लेके आ रहे हैं, एक्स वन को ये साइड लेके आ रहे हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो एक्स टू एक्स वन आता है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। अगर जेड, अरे इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स टू वैसे ही रहता है, एक्स वन का साइन चेंज होगा, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, कितना रहता है अपने पास? एक तो चेक कर लेते हैं ना, मान लो यहां पे मेरे पास कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई, अगर वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा तो इमेज मेरा यहां पे आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू तो फिक्स है, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है, ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चेंज होकर अपने पास एक्स माइनस एक्स आ जाएगा और वाई ऐसा। तो इसमें ये चेंज नहीं होता, एक्स का एक्स ही रहता है, वाई का वाई रहता है, इसमें भी x ये रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। एक होता है y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसमें क्या होगा जब t ऑफ एक्स वाई करते हैं ना, तो इस केस में ये x y x हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा t ऑफ y x। एक क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाता है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स हो जाता है। और एक होता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जो भी पॉइंट है ये साइड आ जाएगा, तो उस केस में दोनों का साइन चेंज हो जाता है, मतलब टी ऑफ एक्स वाई है तो टी ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये पांच ही रहते हैं। ठीक, एक दो तीन चार पाँच, तो इसमें से एक भी नहीं है ना ये। ठीक है, जाने दो सर, तो ये पांच अपने पास होते हैं। क्लियर है, ये सबको समझ में आया? ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इज इक्वल टू एक्स और एक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और अगर आरक्यूब में देते ना तो आरक्यूब में कुछ चेंज नहीं करना रहता, आरक्यूब में जेड को वन ले लेंगे, ये दो रहता है जेड में वन ले लेंगे, तो मैट्रिक्स से बनेगा ना, तो ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो, और जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स वाई वन ले लेते हैं, बाकी सिर्फ इतना ही चेंज होता है। आरक्यूब के अंदर करते नहीं, आरक्यूब के अंदर सिर्फ इसको वन लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और जब रोटेशनल, हाँ एमएक्स के लिए फॉर्मूला है वो 2 थीटा के फॉर्म में इन जनरल करते हो, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में, नहीं y इज इक्वल टू mx तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये जहां पे y इज इक्वल टू x है तो y के प्लेस पे x लिख रहे हैं, x के प्लेस पे y ना, तो ऐसे ही वो mx है तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, y बाय m। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाता है, जहां पे y है वहां पे x बाय m, जहां पे x है वहां पे y बाय m। अब इसमें देखो ये क्या दिया है, आर फोर टी विद वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल विद डिग्री लेस देन 4, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 5। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर, मतलब अगर कोई भी फंक्शन दे रहा हूं तो उसको इस तरीके से ऑपरेट किया गया कि पहले एफ ऑफ टी माइनस एफ एट द पॉइंट जीरो और उसको डिवाइड करना है टी से, और बेसिस क्या है अपने पास, स्टैंडर्ड बेसिस। अगर ये नहीं भी दिया रहता तब भी हम लोग क्या लेते हैं, वन टी टी स्क्वायर टी क्यूब टी रेस टू 4, ये लेते, निकालो इसको क्या आएगा। और ध्यान रखना है पहले पूरा मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स नहीं बनाने, सबसे पहले ये चेक करना है कि किसमें सारे डिस्टिंक्ट है, अगर सारे डिस्टिंक्ट नहीं है तो ट्राई करना कि दो डिस्टिंक्ट होना चाहिए ताकि सेकेंड कॉलम में मेरा आंसर आ जाए। अब देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट निकालूंगा ना, तो अगर ये वाला आ गया तो सब में डिस्टिंक्ट है, प्रॉब्लम कब होगा जब जीरो जीरो आएगा, तो चेक करते अगर ये दोनों में से आ गया ना तब तो डायरेक्ट अपने बाकी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर इन दोनों केस में से आ रहा है तो फिर चेक करना पड़ता है। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे वन लूंगा मैं, हाँ तो फर्स्ट कॉलम में जीरो आ रहा है क्योंकि जब जीरो पुट करूंगा तो ये मेरे पास, अरे वन पुट करेंगे तो वन, और वन पे कांस्टेंट है तो जीरो पुट करके कुछ मतलब नहीं है, तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा, जीरो, तो पहले में सब जीरो आ रहा है। सेकेंड में जब टी पुट करूंगा तो एफ ऑफ टी की वैल्यू टी,
और टी में जब जीरो पुट करेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, और टी बाई टी कितना होता है वन, तो सिर्फ वन बच रहा है। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन में करेंगे तो ये तो बचेगा ही नहीं, सिर्फ वन इंटू, हाँ तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सिर्फ बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, माइनस वन टू सिर्फ इसी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टाइप के आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव लेना, द डेरिवेटिव मैप विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस, अरे टू द बेसिस, बेसिस स्टैंडर्ड नहीं है। बी वन अपने पास दिया है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, सेकेंड टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, और तीसरा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ये अपने पास बेसिस है, इसके रिस्पेक्ट में अपने को मैट्रिक्स निकालना है। कैलकुलेट करो ये, अब थोड़ा ध्यान दो, जब भी ये टाइप के डिफिकल्ट आते हैं ना तो याद रखना इससे पूरा मैट्रिक्स नहीं निकालना है। ठीक है, देखो ये अपने पास आ गया, ये वन दिया है, यहाँ पे माइनस वन दिया है, यहाँ पे जीरो और वन दिया है, तो अगर मैं एक दो एंट्री भी निकाल लूँ ना तो एक ही कॉलम से मेरा सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि सब में डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे वन जीरो जीरो है, यहाँ पे माइनस वन वन जीरो है, यहाँ पे तीनों जीरो है, यहाँ पे तीनों वन है। सॉल्व करो इसको, फर्स्ट वाला आ रहा है फोर्थ, वन वन वन, कैसे ये कैसे आ रहा है? कैसे आया फोर्थ? हेलो, और बाकी किसी का है? अच्छा हाँ प्रतीक, लास्ट का डी मतलब ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, बी आ रहा है, और किसी का बी आया है, माइनस वन वन और जीरो, अपने पास बी वन गिवन है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, दूसरा आ रहा है टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर टू टी प्लस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिस है, इसको नाम देंगे वी वन वी टू और वी थ्री। क्या करते हैं हम लोग, टी ऑफ वी वन का इमेज लेंगे, और टी अपने पास क्या है डेरिवेटिव, और वी वन क्या है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा ये अपने पास टू टी प्लस वन।
अब इस 2t+1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है इनके, तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स टी स्क्वायर t+1 प्लस बीटा टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 3t+2, और एबीसी ले लेते हैं, ए बी सी टी स्क्वायर 2t+1। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये अगर मैं इसका टी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर। सेकेंड यहां से आ जाएगा ये ए प्लस 3 बी प्लस 2 सी टी, और बाकी क्या आ जाएंगे ए प्लस 2 बी प्लस सी। यहां तक किया सबने? उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सेकेंड पे यहाँ पे ए प्लस 3 बी प्लस 2 सी इज इक्वल टू 2, और उसके बाद ए प्लस 2 बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब इसको मैट्रिक्स का यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 3b है ना, तो इसको मैं 2b प्लस सी भी कर सकता हूँ, और ये आ जाएगा अपने पास ये, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हाँ अभी फिर यहाँ ध्यान दो, फिर ये इसको ना इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ये पूरा मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और b प्लस सी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई, बाकी सब निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? एक मिल गया ना a, फिर दो ही इक्वेशन बचेंगे, फिर किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और a इज इक्वल टू -1 किस में आ रहा है, b ऑप्शन है, बाकी किसी में आ रहा है नहीं। तो देखा जाए तो अगर ये एग्जाम पेपर में होता ना तो b और c निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि b और c निकाल सकते हैं, बट किसी में भी a मेरा -1 नहीं है ना, सिर्फ b ऑप्शन में। क्लियर है सबको? ये तो पेपर में याद रखना है, पूरा इसको निकालना नहीं है। तो जब भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना, तो वो टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू से ही बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं। ये समझ में आया सबको कैसे लिए? सिंपल डेफिनेशन का यूज किया, बाकी कुछ यूज नहीं करना, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस होता तब तो डायरेक्ट आ जाता ये। अब इसमें देखो, ए अपने पास -1 आ गया ना, तो पहले कॉलम में जो पहला एंट्री वो क्या आना चाहिए, -1, तो इसमें भी 1 है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला रहेगा, इसमें 0 है, ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें 1 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है सबको ये? बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए ना, सिर्फ अपने पास यही ऑप्शन है, बाकी सेकेंड भी निकालोगे तो 1 आ रहा है, और सी निकालोगे 0, और ये सब निकालने की जरूरत नहीं इसमें। क्या हुआ? क्या समझा नहीं मैं, क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स, समझा नहीं मैं, ये क्वेश्चन का बोल रहे हो क्या? नहीं, जब डेरिवेटिव दिया रहेगा ना, मैप गिवन होगा ना, तब तो डेरिवेटिव दिया है, इसके लिए हमने डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं तो फिर दिया होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहेगा ना, ऐसे बाकी सारे एग्जांपल्स में, बाकी सब में दिया है ना इसमें। पता नहीं, समझा नहीं। ठीक है, चलेगा, मैं समझ। अब इसमें देखो, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक बी गिवन बाय द रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अभी डिस्कस किए थे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? देन द मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस। याद रखना है, जेड वाला तो यही आएगा 0 0 1, तो ये तो हटा दो डायरेक्ट, ए बी डी में से कोई एक ऑप्शन होगा।
नहीं, अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जेड को भी वन नहीं लेंगे तब भी चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को एक्स वाई ही लेना है, एक्स वाई से ही मतलब है जेड को, तो अगर जेड को भी अगर वन नहीं लेंगे तो ये तो अपने फिक्स रहता, तो सी वाला आ जाएगा। ये वन तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो रहेगा नहीं। सेकेंड वाला क्या है, टी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एक्स वाई माइनस वाई, मतलब दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं और इसमें एक माइनस वन, तो ये दोनों ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला रहेगा। क्योंकि जब हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं उसमें एक्स वाई चेंज नहीं होता, इसमें एक्स वाई चेंज हो गया, तो ये क्या है, अलोंग लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स का वाई में चले गया, वाई का एक्स में चले गया और दोनों का साइन भी चेंज हो गया, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये क्या हो रहा है, इसमें दोनों का साइन चेंज हो गया, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स का साइन चेंज कर रहे हैं और वाई को सेम रख रहे हैं, तो एक्स का साइन कब चेंज होता है, जो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करेंगे, ठीक है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, ये अलोंग लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये सिंपल आइडेंटिटी है और ये अपना रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। हाँ, अब ये अपने पास बेसिस पे इमेज गिवन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब टू आर एस टू फोर बी सच दैट, कौन सा मैट्रिक्स आएगा, निकालो ना, कैलकुलेट करो फिर, डायरेक्ट कैसे आएगा। पहले तो स्केलर निकालना पड़ेगा ना अपने को, कर सकते